बालौदा बाजार में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। 15 से 80 वर्ष आयु के नागरिकों के लिए आयोजित किया गया था। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में जिले से लगभग 850 महिला पुरुषों ने भाग लेकर अपना दमखम दिखाया और संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले उत्सव में प्रवेश किया। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने सभी विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए जिले का नाम छत्तीसगढ़ स्तर पर रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। महोत्सव में 5 विकास खंडों से लगभग 850 युवक युवतियों के साथ बुजुर्ग महिला पुरुषों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों, लोकगीतों, नृत्यों सहित 23 विधाओं में भाग लिया। ग्राम रसेड़ा की युवतियों द्वारा किए गए राउत नाचा ने खूब तालियां बटोरी। वहीं उन्होंने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि महिलाओं को समान अधिकार मिल रहा है और आज राउत नाचा कर बहुत अच्छा लगा। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कहा कि पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिसके राज्य में 80 वर्ष का बुजुर्ग भी अपने को युवा समझ कर इस उत्सव में भाग लिया है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम यहाँ भाटापारा से आए हैं, जय जोहर संगवारी हो। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ बारामासी के पूरे कार्यक्रम देखे हैं और हम गोविंद सारंग विधि विद्यालय से आए हैं। हमने अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सारे प्रकार की चीजें देखने के लिए मिली, सीखने के लिए भी मिली और यहाँ अपने संस्कृति को जानने और समझने का भी अवसर प्राप्त हुआ हम लोगों को। और ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जिला में? होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे और हमारे सबको पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी है और हमें कैसा चलना चाहिए, सबको पता चले। इस प्रकार के कार्यक्रम और कभी हुए? हाँ, हुआ था। क्या नाम है? लक्ष्मी मानिकपुरी। मैं भारती साहू भाटापारा से हूँ। के लोग ही करते देखा गया। हाँ, पहली बार आप लोग लड़की लोग कर रहे, कैसा लग रहा है? हम लोग को अपने छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हम लोग की लड़कियां लोग भी किसी चीज में हम लोग कम नहीं है। ऐसे करके हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे हमारे देश को हम लोग बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के खेल और यहाँ को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा ही हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे ही बढ़ते रहे, इन सब चीजों में हमेशा आगे रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं रसेड़ा स्कूल से हूँ। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में से प्रतिभागी यहां पे आए थे। 23 विधाओं पे यहां पे आज प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें लोक नृत्य, लोक गीत, तबला, बांसुरी, हारमोनियम वादन और वीणा वादन, गिटार वादन, ये वादन रहे हैं, और कथक, कुचिपुड़ी, ये सब नृत्य रहे हैं। भरतनाट्यम, कथक और एकांकी नाटक, लोक नृत्य, लोक गीत, खेल में खो खो, कबड्डी, गेड़ी, भौरा और फुगड़ी, ये खेल रहे हैं। इस तरीके से 23 विधाएं हुई हैं, जिसमें हमारे जिले से लगभग 850 बच्चों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें से प्रथम स्थान प्राप्त किए प्रतिभागी जो हैं वो संभाग स्तरीय के लिए खेलने के लिए जाएंगे आगे, और संभाग से प्रथम आए हुए प्रतिभागी राज्य स्तर के लिए आगे खेलने जाएंगे। निश्चित ही जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी और हमारे खेल मंत्री बलौदा बाजार के प्रभारी आदरणीय उमेश पटेल जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्यक्रम आज विविध विधा में, संगीत में, वादन में, खेल में और विविध नाट्य में बहुत सारे बच्चे हमारे जिला स्तरीय सभी विकास खंड में जो चुन के आए थे वो जिला स्तरीय में चुन के आए और यहाँ से संभाग और राज्य स्तरीय में जाएंगे। मैं इन बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार की जो मंशा है युवाओं को लेकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल को आयोजन करना, युवा महोत्सव का आयोजन करना, और इस बार सिर्फ 15 से 40 साल नहीं 80 साल तक के लोगों को अवसर दिया है, चाहे फुगड़ी खेल में, चाहे कबड्डी में, चाहे कितकित्ता खेलने में, बिल्लस खेलने में, चाहे गेड़ी दौड़ में, विविध प्रकार के विधा में लोगों में एक उत्साह का वातावरण निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो मंशा है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है, अब जब सही मायने में साकार होने जा रही है। किसान वर्ग खुश है, व्यापारी खुश है, छत्तीसगढ़िया समाज खुश है, हर वर्ग खुशहाल है। यही तो छत्तीसगढ़ की परिकल्पना है जो हम और आप सब चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के पूरे होनहार
युवाओं को सादर अभिवादन के साथ अभिनंदन करता हूँ और सबको भाग लेने के लिए, इस अवसर में शामिल होने के लिए सबको आमंत्रित करता हूँ। और आप अपने भविष्य को गढ़िए और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ चलिए। धन्यवाद।